सो गाइस हम दोनों निकले हैं कुर्ता देखने के लिए। फेस्टिव का सीजन है, मेरे घर में भी शादी लगा हुआ है और मेरे दोस्त राज नहीं नहीं फ्रेंड्स अगर होगा तो आप लोग को इनविटेशन जरूर मिलेगा। और हम लोग निकले अभी कुर्ता ढूंढने के लिए और अभी फिलहाल हम लोग आए हैं वेस्टी साइड में। होगा होगा हम लोग का भी ड्रेस होगा लड़का लोग के साथ काफी इंसाफ। नहीं नहीं ऊपर में लड़का लोग का मिलेगा जरूर। हाँ ऊपर नहीं मिलेगा। यार चप्पल खाने के लिए चप्पल देख रहा प्रीतम। एक बार फ्रेंड्स काफी सारा ना इंसाफी है। यहाँ पे दो फ्लोर है लड़की लोग का और हम लोग के लिए सिर्फ एक ही फ्लोर बनाया गया है। और आप बात देखते ऐसे ही हम लोग गरीब है, थोड़ा सा स्टॉक भी ज्यादा देना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अभी तो देखते हैं कुर्ता मिलता है या फिर यहाँ से भी हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। किधर जाना है फ्रेंड्स? एक सज्जन भैया मिले हमको, वो बोल रहे कि कुर्ता यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन उनको भी खोजना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कुर्ता मिल रहा है हम लोग को जी जी भैया हम लोग को वेडिंग के लिए चाहिए, हमारे घर में शादी लगी हुई है। कहाँ पे मिलेगी? काफी दुख हुआ हमें क्योंकि यहाँ पे दो फ्लोर लड़कियों का एक फ्लोर हम लोग का, हम लोग कहाँ जाएंगे भैया बताइए। फिर भी कम पड़ रहा है। लास्ट लेक लेके जुड़ी हूँ मैं, उसके बाद फिर हम लोग। फ्रेंड्स यहाँ का जो एक्सीलेटर है काफी स्पीड है, हमें लग रहा है जैसे हम लोग डिजनीलैंड आए हुए हैं। डिजनीलैंड का मजा ले रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी हमें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। खाली हाथ? हाँ खाली हाथ, एक हाथ नहीं यार, स्लिप कर रहा फ्रेंड्स, घुसा गया लगता है ये जमीन, क्योंकि हम लोग बिना खरीदे जा रहे क्योंकि हमें मिला नहीं तो हमें स्लिप करवाया जा रहा जानबूझ के। मेरा फ्रेंड्स बहुत उदास है, क्या होगा फ्रेंड्स हमारे साथ? फ्रेंड्स देख रहे ना फ्रेंड्स, आई एम फीलिंग शाय नाउ। हम लोग नीचे उतर रहे फ्रेंड्स, एकदम नीचे हम उतरेंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट बराकर निकलेंगे फ्रेंड्स। बराकर आसनसोल, वहाँ से अपनी शॉपिंग। अब हम लोग चलते हैं दूसरे दुकान, जुड़ियों में चल रहे हैं अब फ्रेंड्स। ये अंकल ऐसे क्यों चल रहे हैं फ्रेंड्स? मेरा दोस्त तो ठीक चल रहा है फ्रेंड्स, तो फिर अंकल ऐसे क्यों चल रहे हैं फ्रेंड्स? तो क्या आपको मिला? नहीं मिला भाई साहब, अभी चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है। अभी हम लोग दूसरे दुकान जा रहे हैं, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। काफी अच्छा लग रहा है, आप एक बार पकड़ी उधर से। नहीं अभी नहीं पकड़ा, अभी क्या होगा ना कि गाड़ी आएगी, गाड़ी से आपका टूट जाएगा फोन। टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग हो ना गूगल पे का लिंक दे दूंगा मैं, आप लोग कुछ कुछ भेज दीजिएगा हमें। तो फ्रेंड्स हम लोग को अभी जुडियो में थे, जुडियो से भी भगा दिया गया हम लोग को। जुडियो में भी हम लोग आज औकात के ड्रेस नहीं मिला हम लोग को। औकात का मतलब पैसे हैं लेकिन सामान नहीं है फ्रेंड्स, है ना? इतना पैसा दिया है, क्या दिया है, पैसा तो खूब है, दुआएं नहीं है साथ। बस आप लोग दुआएं काम नहीं कर रही लगता। पैसा का कमी नहीं है फ्रेंड, लेकिन दुआओं की कमी है हमारे पास, जिसके कारण हम लोग कोई भी चीज का हाथ दे रहे हैं वो, जिस भी चीज का हम लोग हाथ दे रहे हैं वो चीज किसी और का हो जा रहा फ्रेंड्स। मिल नहीं पा रहा बस, और कुछ नहीं भाई, हम कुर्ता खोज रहे, आप लोग गलत ना समझे। जरूर जरूर की बात है। चलो चलो गाड़ी आ रहा, गाड़ी आ रहा है, बुलेट चिपके जाएगा। चलो ना फ्रेंड्स, हम लोग गाँव से आए हैं फ्रेंड्स, हम लोग बहुत मेहनत रोड क्रॉस कर रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए ना फ्रेंड्स, हम लोग गाँव से आए हैं और हमें शहर के बारे में कुछ पता नहीं है फ्रेंड्स। और ये पर्चा तो लगा दिया और हमारे गाड़ी में देखिए कुछ तो सामान हम लोग खरीद नहीं पाए, लेकिन पार्किंग का कागज लग गया फ्रेंड्स। नहीं लगा, मेरा दोस्त गाड़ी निकाल रहा फ्रेंड्स।
सो गाइस हम लोग अभी भी कुछ भी हमारा सामान अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, और हम लोग अभी भी स्टील गेट क्रॉस कर रहे हैं, और हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपनी मंजिल की और कहाँ मिलेगी और हमें अपनी ड्रेस कहाँ मिलेगी। तो हम लोग दो दिन से परेशान है काफ़ी, हम लोग गाँव से शहर आए हैं धनबाद में कि कहीं मिल जाए, और यहाँ पे ऐसे गाड़ी चल रही है ना मेरे, हम लोगों को काफ़ी डर लग रही है, कोई हमें भरोसा कर नहीं रहा कि हम लोग को भी गाड़ी चलाने आता है यार, हम लोग को भी जगह दे। हर कोई अपनी स्पीड में है कि कौन आगे बढ़ जाए, चाहे वो मार के ही बढ़ जाए। देखिए इसको, ये कैसे करके गाड़ी को ऐसे करके मुड़ा दिया, ऐसे करके फ्रेंड्स अभी लग जाता है हम लोगों को। फ्रेंड्स थोड़ा देख रहा हमको देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने भीड़ है यहाँ पे। फ्रेंड्स कोई किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है, सब अपने धुन में चल रहे हैं फ्रेंड्स, ना रुक रहे हैं ना इंडिकेटर दे रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक लाइट की कमी है, और बचपन से किसी ने भी जो है ना ये तीन लाइट आपका देखा नहीं है, लाल हरा ऑरेंज, ये तीनों रंग नहीं देखने के कारण सबको यहाँ पे अपने आप को बाप समझते हैं कि रोड उनका है, और सब अपने धुन में चलते हैं। कुछ कुछ मानते हैं जो बाहर से आते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसे करके हॉर्न बजा के पार किया जा रहा है। फ्रेंड्स हॉर्न की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, लेकिन दो भी इंसान हॉर्न बजाते हैं, पता नहीं क्या रॉब झाड़ने का कोशिश करते हैं। जिस दिन इस दुनिया से ये रॉब नहीं हटेगी, उस दिन कोई भी शांति से जी नहीं पाएगा। हर कोई चाहता है कि मैं ही हूँ बॉस, बाकी कोई नहीं है बॉस। भगवान ने सबको बॉस बना के भेजा है, लेकिन कोई कोई है जो अपने आप को बहुत ही एक्स्ट्रा बॉस समझता है। देखिए इनको, देखिए क्या बोलूँ मैं, बोल बोल के मैं थक गया हूँ। चमड़ा का मुंह है, टैक्स नहीं लगता, इसलिए मैं बोल देता हूँ, लेकिन बाद में सोचता हूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ। इतना नहीं बोलना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन बोलना पड़ता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स एक ऐसा जगह है यहाँ पे फ्रेंड्स, जहाँ पे सरकार की तरफ से मुताले ही बनाया गया है, लेकिन वहाँ कोई मुत्ता नहीं है फ्रेंड्स। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, तो क्या ही बोले, दम घुटता है फ्रेंड्स, ऐसी जगह पाते ना दम घुटता है। और लाइट में मैं आता हूँ आपके लिए। तो मतलब लोग ऐसे हैं, समझते नहीं है फ्रेंड्स लोग, कि सरकार की तरफ से बनाया गया है, लेकिन तो भी मूत के एकदम बाहर बहा दे रहे सब। तो मतलब ऐसा स्मेल कर रहा है ना, एकदम दम घुट रहा, मर जाऊंगा मैं, जल्दी से निकलता हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो अगला ब्लॉग में बनाऊंगा कैसे फ्रेंड्स, ठीक है। तो गाइस हम लोगों को तो हमारा कुर्ता मिला नहीं दोस्त के लिए, तो हम लोग सोचे कि कुछ खाएंगे। काफ़ी पहले काफ़ी शाम में निकले थे हम लोग, और हम लोग को काफ़ी भूख लगा हुआ अभी यहाँ पे, तो हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। यहाँ पे एक अच्छा चौमिन दुकान है, दत्ता चौमिन का दुकान है, तो उनके पास जा रहे, देखते हैं हमें मिलती है कि नहीं। काफ़ी रात हो चुकी है, अब जाके हम लोग देखते हैं कि कुछ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मेरा दोस्त रोड में भी गाड़ी चला रहा है, इसलिए ब्लॉग बनाओ, लेकिन ब्लॉग बनाने में भी जो है ना ट्रैफिक नियम को फॉलो करो फ्रेंड्स। ऐसे ब्लॉग बनाना है, कुछ भी लदान उदान लग मत जाना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।